कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा से खबरें तक ने एक्सक्लूसिवली बातचीत की है। खबरें तक से महिपाल ढांडा ने बातचीत करते हुए अपने विभाग के बारे में बताया। हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी है। आने वाले 5 सालों में हमें मजबूती के साथ काम करना है। शिक्षा क्षेत्र में तेजी से सुधार करेंगे। मैं शिक्षा विभाग को मजबूत करना चाहता हूँ। निजी स्कूल की मनमानी को लेकर भी उन्होंने बयान दिया। हरियाणा सरकार में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बड़ा विभाग आपको मिला है, शिक्षा विभाग। किस तरीके की रूपरेखा सर प्रदेश में आगे देखने को मिलेगी? सर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने की बात कही हुई है। जितना जल्दी हो सकता उतना जल्दी हम लोग नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू भी करेंगे, मगर उससे पहले जिस भी तरह का इंफ्रा की कमी, उस इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी को दूर करना, हर स्कूल को स्कूल का माहौल देना, हर टीचर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वो अपना काम करे और बच्चों को अपने पैरों पे खड़ा होना है, इसलिए उनके पेरेंट्स को टीचर्स के साथ मिलने का जो सिलसिला है उसको मजबूती से लागू करना, उसको पेरेंट्स मीटिंग कह लो, उसको दूसरी तरह की बात कह लो। मगर हम लोग पढ़े हैं, जो हमारे तो पहले वाले भी लोग पढ़े हैं, सब लोगों ने बहुत सारे अभाव में शिक्षा ली है। बहुत सारी चीज़ें हमारे वक्त में नहीं थी, हमसे पहले वालों के वक्त में तो बहुत कुछ नहीं था, धीरे धीरे करके सब चीज़ें बढ़ी हैं। मगर हमारे बच्चे वो तमाम तरह की सुविधाओं से लैस होकर एजुकेशन ले, ताकि सारी दुनिया के साथ कदम ताल मिला के चलने में हमारे बच्चों को दिक्कत ना आए। एक संसाधन की बात कर रहे हैं, पर सर प्रदेश में अभी भी जो सरकारी शिक्षा है और जो प्राइवेट शिक्षा है, काफ़ी कुछ अलग देखने को मिलता है। अभी भी जो अभिभावक हैं वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं ताकि उनके बच्चे अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सके। सर, हम कहेंगे हमारे स्कूल अच्छे हैं, आप हमारे स्कूलों में दाखिल कराओ, सरकार सब तरह की चीज़ें उपलब्ध करा रही है, कहीं कोई कमी उस कमी को दूर करेंगे। टीचर हमारे इतने अच्छे हैं आप कल्पना नहीं कर सकते, हर टेस्ट को क्लियर करके आना, वेल क्वालिफाइड टीचर हमारा है। अब कई बार पेरेंट्स का जो मन नहीं ठुकता था उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, मैं उस पर तो नहीं जाऊंगा, मगर मैं अपील करूंगा कि हम बेहतर संसाधनों के साथ एक अच्छे माहौल में अपने बच्चों को एजुकेशन देने के लिए कटिबद्ध हैं। उसके लिए मैंने सोचा भी है कि हम लोग हर ज़िले के कोई 5-5 स्कूलों को पहले एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लेके शुरू करेंगे कि जिसमें सब चीज़ें हों, टीचर्स से लेके चौकीदार से लेके और हर तरह की कोई कमी ना हो, और उसमें बच्चों की जो स्ट्रेंथ है वो भी अच्छी खासी हो, और धीरे धीरे करके इस लेवल पे लेके जाना का है कि भाई प्राइवेट स्कूल जो आप बात कर रहे थे, प्राइवेट स्कूल से भी ज़्यादा बच्चा सरकारी स्कूल में, और सरकारी स्कूल में ऐसा बनाने का मैं सोचूंगा कि भाई आपको कोई आदमी के यार ज़रा सिफारिश लगाओ सरकारी स्कूल में मुझे बच्चा पढ़ाना है, मेरा सपना ये है। अब कब तक उसको पूरा कर पाऊंगे ये देखेंगे, मगर पीछे नहीं हटेंगे, डट के हम लोग अपना काम करेंगे, ईमानदारी से करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि भाई आप समस्या के समाधान को ढूंढ के उसमें से बेहतर परिणाम ना दे, इसको हम दे सकते हैं, हम देंगे।